उन्नाव के असोहा में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पूरा मामला असोहा थाना क्षेत्र के गांव बबुरहा का है, जहां खेतों पर चारा लेने गई तीन लड़कियां गेहूं के खेत में हाथ पैर बंधी मिली, जिसमें से दो को असोहा सीएचसी में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक और डीआईजी असोहा पहुंचे। उन्नाव की इस घटना पर सपएमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, यहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज उन्नाव की घटना ने फिर एक बार हमको, आपको, सबको, पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। और ये अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट सकता है? उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है? और उन्नाव की पुलिस लगातार उस घटना को दबाना चाहती है। जिस तरीके से दो बेटियों की डेड बॉडी को उन्नाव पुलिस जीप में डाल करके ले गई आनन फानन में, परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। परिवार को ही धमकाया जा रहा है, परिवार को ही समझाया जा रहा है। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना ना बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो, और इस घटना की जांच अलग टीम करे, क्योंकि उन्नाव की पुलिस तो लगातार बचा रही। 5 बजे खबर हो गई थी, अभी तक आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं सरकार और पुलिस मिल करके घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद खेत में किस अवस्था में थी? खेत में सब बंदी हुई मिली है। सब काहे से बंदी थी? कपड़ा पहन के बंदी थी, सब बंदी हुई चुन्नी घास के लिए, सब बंदी थी गोर अभी कैसी हालत है? अभी कैसी हालत है? हालत बिल्कुल खराब है। तीन में कितने की अभी इलाज चल रहा है और कितनी खत्म हो गई? इसी का है। और कितनी खत्म हो गई है? दो खत्म। कौन लोग हैं? जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है, तो भाई बिल्कुल गैस्ट्रिक में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रेशंस बहुत भरे हुए थे, और उसकी ट्यूबिंग बिल्कुल कॉन्स्ट्रक्टेड थी, और कोई रिस्पॉन्स करी थी टोटली अनकॉन्शियस। अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी सामने उसको जो उसके पल्मोनरी एडिमा में हैंडल कर रही थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डिस्चार्ज कर दिया, गैसेस लगाए, प्रोटीन लगाया, और बाकी जो भी दवाई अभी फिलहाल अभी हमने उसको इंटीग्रेट भी कर दिया है। इंटीग्रेट इसलिए कराया है कि उसका जो लंग्स में पानी भर गया है, उसको निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन इस समय जो उसकी स्थिति है, उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो रहा है, एनोक्सिया में गई है, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है सर, किस वजह से कुछ ऐसा लग रहा था? यार उसके साइंस जो है, ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग हुई है। ऑर्गेनो फास्फोरस होता है जैसे कीटाणुनाशक दवाई यूज होती है, जो उस समय इसके जो क्लिनिकली जो लग रहा है, ये असोहा थाने में आज तीन लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से दो की वहां पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहां पर चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई, और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था, और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के पुनहाना में आज माता वैष्णो देवी मंदिर पर माता रानी का 21वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सुबह 9 बजे हवन करवाया गया और 12 बजे से विशाल भंडारे की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर
इस मंदिर को बने हुए 21 साल हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में हर साल 18 फरवरी को एक भंडारे का आयोजन किया जाता है, बढ़ जाओ और विशाल भंडारा किया जाता है। ये क्या हुआ 21 साल में, क्या हो गया मंदिर का उद्घाटन हुआ 21 साल पहले मंदिर बना था। मनाना में माता का जन्म दिन मनाया गया, माता का जन्म दिन मनाया गया था। शाम को केक भी काटा जाएगा, शाम को केक भी काटा जाएगा और इस उपलक्ष्य में हर साल भंडारे का आयोजन यहाँ किया जाता है। कैसे प्रसाद बन रहा है? प्रसाद अच्छा है जी, प्रसाद कोई खराब थोड़ी ना होता। लोग कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं खाने के लिए? बहुत दूर दूर से लोग आता से आए, वो तो पन्हाना से जाए। कैसा लग रहा है आपको? पलवल से आए भगवान जी की जगह पे, तो ये भैया पलवल से आए। ये सोनू जी हमारे पलवल से आए हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। आप सोनू जी कैसे आए हैं? बताऊँ ना, अब नंबर आ रहे हैं और पहले खड़े हो गए, एक थोड़ी कम खा लूंगा बोलने लाए पर पंडित जी। हाँ जी, कितना टाइम हो गया मंदिर को बने हुए? 21 साल है। और इसमें क्या क्या मनाया जा रहा है माता के जन्मदिन पे? माता के जन्मदिन में सब्जी पूड़ी जी, बूंदी जी, हलवा चना जी, भंडारा है। 21वां जन्मदिन है। हाँ जी, इसमें हर वर्ष विशाल भंडारा किया जाता है। विशाल जी, इसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? माता रानी की जो इच्छा थी यहाँ पे पधारने की थी, जी पंडित जी। हाँ जी, कहाँ तक के लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ के बहुत दूर दूर के आते हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जी। हरियाणा के पुनाना से केकेडी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार की रिपोर्ट।